Good morning, friends. Today we will learn about the heat transfer. The first topic we will learn about the introduction. Then we go to the law of thermodynamics. After that, we will go for the definition of heat, and then type of heat transfer and Fourier's law. And then we will learn about the conductivity and the effect on solid, liquid, or gases. And okay. The heat transfer is consist of two words, heat and the transfer. First we learn about the transfer. What is transfer? Transfer is the dislocating or shifting of material, energy. When we talk about the our universe, there is two type of matter or science, energy it exists. मतलब हम जब अपने universe की बात करते हैं science के terms में, तो हम बात करते हैं energy की और matter की. इसके हिसाब से हमारे यहाँ तीन type के system locate होते हैं. एक है अपना ओपन सिस्टम, जिसमें मैटर और एनर्जी दोनों चीजें ट्रांसमिट हो सकती है, मतलब ट्रांसफर हो सकता है. ठीक है, सेकंड है अपना मैटर क्लोज सिस्टम, जिसमें क्या अपना मैटर जो है वो ट्रांसफर नहीं होता है लेकिन एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है. और थर्ड है आइसोलेटेड सिस्टम, इसमें क्या है अपना मैटर और एनर्जी दोनों ही ट्रांसफर नहीं होते हैं, मतलब दोनों क्लोज सिस्टम में बंद रहते हैं. इसके हिसाब से हम ट्रांसफर समझ सकते हैं. अगले इसके बाद हम बात करेंगे हीट के बारे में. अब हीट क्या है? हीट हम लोगों ने हीट के बारे में सबसे ज्यादा सुना होगा, जाना है. इस द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ एनर्जी जो हम लोगों ने सुनी और जानी है. इन डेफिनेशन वी कैन से हीट द थर्मल एनर्जी रिजल्ट ऑफ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स लाइक एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स और आयंस. कहने का मतलब सिंपल है कि जो हमारे मैटर में जो भी आयंस है या मटेरियल्स में जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके मूवमेंट्स की वजह से हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जो हम जिसको हम हीट बोलते हैं. और ये क्या होता है, जब भी हीट बढ़ता है, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या होता है, हीट एनर्जी बढ़ती है. ठीक है, इसके बाद हम इसमें एक बहुत लोगों में कंफ्यूजन रहता है, हीट और टेम्परेचर के बीच डिफरेंस होता है. टेम्परेचर इज जस्ट मेजरमेंट ऑफ हीट, और हीट क्या है, हीट एनर्जी स्टोर्ड विद इन द सिस्टम. मतलब हीट जो है एनर्जी है, वो सिस्टम में जो एनर्जी एग्जिस्ट करती है द फॉर्म इज हीट, उसकी जो मेजरमेंट है वो है टेम्परेचर. ठीक है, नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द हम इसके अंदर से थर्मल हीट ट्रांसफर को अच्छे से समझने के लिए एक छोटा सा रिकैप लेते हैं थर्मोडायनामिक्स के. आपने थर्ड सेमेस्टर में पढ़ा होगा. बेसिकली देयर आर फोर लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. द फर्स्ट इज जीरोथ लॉ. जीरोथ लॉ सबसे लास्ट में आया, तीन लॉ आ चुके थे उसके बाद जीरोथ लॉ आया, इसीलिए इसका नाम जीरोथ लॉ रखा गया, क्योंकि हम वो पहले आ चुका था लेकिन हम पहले तीन लॉ डिफाइन कर चुके थे थर्मोडायनामिक्स में, तो इसीलिए फर्स्ट लॉ के बदले हमने जीरोथ लॉ को लाया. जीरोथ लॉ बहुत सिंपल है, कुछ ज्यादा खास नहीं है इसमें. ये कहता है कि जब A इज इक्विलिब्रियम विद B एंड B इज इक्विलिब्रियम विद C, देन A एंड C आल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम. अगर A कभी भी ऐसा मटेरियल समझ लीजिए कि तीन मैटर हैं, उसमें से A और C थर्मल इक्विलिब्रियम में है और B और C भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो इसके सिंपली मतलब A और C भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में रहेंगे हमेशा. ठीक है, दूसरा सेकंड लॉ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स सबने सुना है, जाना है, बहुत कॉमन चीज है. तो ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे डिफेंड करता है. जैसे आत्मा अमर होती है वैसे ही हमारी एनर्जी भी अमर होती है. एनर्जी ना तो पैदा होती है ना खत्म होती है, बस वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में कन्वर्ट होती है. ठीक है, और इसका एक डेरिवेशन है, ये कहता है जब इंटरनल एनर्जी इज द रिजल्टेंट ऑफ हीट गिवन टू सिस्टम एंड द डिफरेंट एंड वर्क डन बाय सिस्टम. मतलब हमारे अंदर कोई भी मैटर के अंदर इंटरनल एनर्जी वही होगी जो हमने उसको हीट दिया और उसने जो काम किया उसका जो डिफरेंस होगा वो उसकी बॉडी की इंटरनल एनर्जी कहलाएगी. नेक्स्ट वी गो फॉर द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स डिफाइन एंट्रोपी. एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज इंक्रीजिंग कंटीन्यूअसली. मतलब कहते हैं कि हमारा जो यूनिवर्स है वो फैल रहा है. साइंस में कहा जाता है कि और कभी भी एंट्रोपी नेगेटिव नहीं होती, मतलब यूनिवर्स की एंट्रोपी हमेशा बढ़ रही है, वो कभी कंप्रेस नहीं हो रही, वो फैलती जा रही है. That is the we call entropy law and define the entropy. Then the third law ये कहता है कि ये कभी भी संभव नहीं है कि हम absolute zero degree temperature achieve कर लें. अगर absolute zero degree temperature करने के लिए infinite waste step भी लिए जाए तो भी हमारा zero degree temperature कभी नहीं आएगा, ये
इम्पॉसिबल है, अनअचीवेबल है. ओके, देन हमने जो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अभी रिकैप किया उससे हमें जो थोड़ी समझ आई उसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि जो इंटरनल एनर्जी है, जो थर्मल एनर्जी है, वो हमेशा एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में तभी जाती है जब उनके बीच में टेम्परेचर डिफरेंस है. मतलब एक जो उसमें हीट एनर्जी, जो थर्मल एनर्जी ट्रांसफर होगी, वो जो होगी उसकी जो टेम्परेचर डिफरेंस है उसके पर डिपेंड करेगा कि किससे किस में जाएगी. जो हमेशा वार्मर बॉडी होगी उससे हमेशा कूलर बॉडी में जाएगी, और वार्मर बॉडी जो होगी वो हमेशा सोर्स कहलाएगी, और जो 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 कूलर बॉडी होगी जिसका टेम्परेचर लो होगा उसके तरफ जाएगी, उसको हम लगेंगे रिसीवर. सोर्स से हमेशा रिसीवर की तरफ ही हमारी एनर्जी का ट्रांसफर होगा, और वो तब तक होता रहेगा जब तक कि दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो. देखिए, एक चीज समझ लीजिए, जो हम जो हीट एनर्जी ट्रांसफर के बारे में पढ़ रहे हैं, ये लॉ जो है ये मैटर पे डिपेंड करता है. मतलब ये हमने बनाया है, मतलब स्टडी करके प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट से, ऐसा नहीं है कि ये डिफाइन नहीं किया गया है. मतलब पहले लॉ नहीं है, पहले मैटर है, उसके बाद हमने उसको समझने के लिए लॉज बनाया. ठीक है, अब हम कह सकते हैं हीट ट्रांसफर क्या है. हीट ट्रांसफर इज द स्टडी ऑफ फेज एट विच द एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन द हॉट एंड कोल्ड बॉडी फॉर सोर्स एंड रिसीवर. मतलब हीट ट्रांसफर क्या है, एक स्टडी है, एक साइंस है, जिसमें हम क्या स्टडी करते हैं कि सोर्स से जो रिसीवर है उसके बीच में जो हीट ट्रांसफर हो रहा है उसकी क्या रेट्स हैं, क्या कैसे उसका होगा, और कौन कौन प्रोसेस से होगा और कितना होगा, इसी को हम हीट ट्रांसफर, ये साइंस का एक पार्ट है. ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे हीट ट्रांसफर. हमने समझ लिया कि हीट ट्रांसफर क्या होता है, हम पढ़ेंगे कि हीट ट्रांसफर कैसे होता है. कैसे होता है, तीन इसके तीन तरीके हैं. पहला है अपना कंडक्शन, सेकंड इज कन्वेक्शन, थर्ड इज रेडिएशन. तो फर्स्ट वी गो फॉर द कंडक्शन. कंडक्शन सबसे कॉमन फॉर्म, वन द मोस्ट ऑफ द कॉमन फॉर्म है, जो हम सब ने महसूस किया होगा बचपन से. हम लोग देख रहे हैं हीट तो इंसेंट टाइम से है, हम लोग जानते हैं, समझते हैं. कंडक्शन में क्या होता है, जब भी हम किसी एक मैटर को कहीं एक सिरे पर गर्म करते हैं, हीट देते हैं, तो उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं या फिर जो उसमें जो एटम्स इलेक्ट्रिक फॉर्म में होते हैं, जो पीरियोडिक फॉर्म में है, उनमें एक कोलाइड होता है. उसके वजह से हीट एनर्जी जो है एक मोमेंट एक इलेक्ट्रॉन से या एक एटम से दूसरे एटम की तरफ जाती है, और ऐसे करते करते वो लास्ट तक पहुँचती है, मतलब थ्रू आउट द सिस्टम वो मूव करती है. ठीक है, अभी जब हम सॉलिड की बात करते हैं, सॉलिड में क्या होता है कि एटम्स एंड जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्लोजली बाउंड होते हैं. ठीक है, स्ट्रक्चर डेंस होता है. ठीक है, उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स लेकिन फ्री होते हैं. तो जब सॉलिड की बात करें बेसिकली हीट ट्रांसफर मेटल्स की, तो उसमें जो हीट ट्रांसफर होता है बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है. इलेक्ट्रॉन्स जब मूव करते हैं वो एक दूसरे को हीट करते हैं, और हीट करने की वजह से एक दूसरे को एनर्जी ट्रांसफर करते हैं. इसके तरीके से धीरे धीरे एक दूसरे से करते हुए एंड तक वो हीट पहुंचते हैं. और जब हम बात करते हैं, हाँ ठीक है, अब इसको हम देख सकते हैं, जैसे हम एक पैन लेते हैं, उसको हम एक दूसरे से हीट करते हैं, हीट करते करते यहाँ पे हीट करते हैं, लेकिन देखिए नीचे का हाथ पकड़ने, कभी आप पकड़ेंगे उसको तो आपको हाथ पे भी गर्म रहेगा. वो इसीलिए होता है क्योंकि हमने हीट यहाँ पे दिया, लेकिन ये क्या एक मैटर है, सॉलिड है, इसमें जब भी हीट आ रहा है, हीट यहाँ पे जाते हैं एक दूसरे इलेक्ट्रॉन से या मॉलिक्यूल से आपस में कोलाइड करते करते ही एंड तक पहुँचता है. ठीक है, वो और ये डिपेंड करता है कि वो कितना अच्छा कंडक्टर है या कितना खराब कंडक्टर है. अगर अच्छा कंडक्टर होगा तो हीट जल्दी ट्रैवल करेगा, मतलब उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स या मॉलिक्यूल्स फ्री फॉर्म में, जितने मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रॉन फ्री फॉर्म में उतनी जल्दी उसका कंडक्शन अच्छा होगा और उतनी जल्दी हीट होगा. ओके, आई टोल्ड यू दैट व्हिच गुड सब्सटेंस दैट ट्रांसफर थर्मल एनर्जी वेरी वेल कॉल्ड कंडक्टर, सब्सटेंस दैट डज नॉट ट्रांसफर हीट वेरी वेल कॉल्ड इंसुलेटर. हमने अपने रियल लाइफ में देखा है, आज तक मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर्स होते हैं, और जितने गुड और नॉन मेटल्स होते हैं वो बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट होते हैं. बेसिकली थर्मल एनर्जी और थर्मल कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी मोर और लेस सेम ही होती है. जिन जो अच्छे कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिकली, वो थर्मल कनेक्टिविटी में अच्छी होती है. ये कुछ एग्जांपल्स हैं, बता देते हैं गुड कंडक्टर्स कौन कौन होते हैं, जैसे सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, और ये फेयर कंडक्टर्स हैं, और ये अपने बैड कंडक्टर्स हैं, ऑयल, फॉर, प्लास्टिक. बैड कंडक्टर्स इज गुड इंसुलेटर्स. कंडक्शन एंड इंसुलेशन इज द अपोजिट ऑफ ईच अदर.
Now we go for the second part, the convection. Convection हम लोगों ने बाद में समझा, ठीक है, okay, but लेकिन ये बहुत समय से exist करता है. This is the most common phenomena in the world. आप जब भी समझ आप समझिए कि जब भी नदी के पास या समुद्र के पास हम जाते हैं तो आप महसूस करेंगे कि वहां से हवा चल रही है. वो क्या होता है? वो कन्वेक्शन की वजह से होता है, क्योंकि देयर इज अ डिफरेंस, डेंसिटी डिफरेंस बिटवीन द हॉट एयर एंड कोल्ड एयर. ठीक है, जब आप सुनते हो कि आंधी आएगी, तूफान आया, वो क्यों आता है? जहां भी कहीं हीट ज्यादा होता है, गर्मी ज्यादा होती है, तो वहां की ठंडी हवा का गर्म होकर ऊपर उठती है और उसको ठंडा भरने के लिए ठंडी हवा तेजी चलती है. सेम फिनोमेना होता है जब हम पानी को गर्म करते हैं, वाटर को गर्म करते हैं, तो होता क्या है, आपने वाटर गर्म किया तो मॉलिक्यूल्स जो है वो एनर्जी लेते हैं और डेंसिटी उसकी हो जाती है कम, तो वो ऊपर की तरफ बढ़ता है. ठीक है, और उसके बाद जो ऊपर जो ठंडा मटेरियल है वो नीचे की तरफ आता है. ये जो फिनोमेना होता है इसको हम कन्वेक्शन कहते हैं. कंडक्शन की बात कर रहे थे, कंडक्शन मोस्टली सॉलिड्स में होता है और फ्लूइड में भी होता है, लेकिन फ्लूइड में कम होता है. लेकिन कंडक्शन का जो मोस्ट पार्ट है वो फ्लूइड में ही होता है और सॉलिड में होता है, क्योंकि सॉलिड में अपने मॉलिक्यूल्स होते हैं बॉन्ड, तो वो मूव नहीं कर सकते, एनर्जी का ट्रांसफर हो नहीं सकता उनमें. तो इसीलिए कन्वेक्शन जो होता है फ्लूइड में होता है और कंडक्शन जो होता है सॉलिड में होता है. ठीक है, current is created when the water is less dense, material is light, forcing the cooler more dense material is cheap. ऊपर तो ज़्यादा dense material है, नीचे की तरफ आएगा और नीचे तो कम dense material है वो ऊपर की जाएगा. और उस density को चेंज होगी क्योंकि आपने उसको heat दिया है. heat देने से क्या होता है, जो molecules होते हैं उनमें movement आता है, movement आता है तो उनमें gap बढ़ता है और gap बढ़ने से density कम होती है और कम होने की वजह से वो ऊपर की तरफ गया और ठंडा होकर नीचे की तरफ. ये देखिए, आप समझ लीजिए कि दुनिया में इसका इफेक्ट कितना ज्यादा है, हम जो देखते हैं महसूस करते हैं वो इसी की वजह से होता है. हमारे यहाँ बारिश होती है, कुदरे बैठते हैं, या फिर जो विंड, पूरे दुनिया में जो मूवमेंट होता है विंड का या एयर का या फ्लो होता है वो इसके वजह से ही होता है. उसको हम कन्वेक्शन कहते हैं. कन्वेक्शन करंट जो होता है वो देखते थे रिजल्ट व्हाई वी फील विंड एयर फ्लो और द रेनफॉल. थर्ड पार्ट है हमारा रेडिएशन टाइप ऑफ द ट्रांसफरिंग रेडिएशन. रेडिएशन भी बहुत पुराना टॉपिक है. रेडिएशन एक ऐसा चीज है जिसके लिए आपको मटेरियल की जरूरत नहीं है, सोर्स की जरूरत नहीं है. रेडिएशन इटसेल्फ ट्रेवल कर सकता है, वेव फॉर्म में ही होता है. ठीक है, जैसे हमारे यहाँ कहते हैं कि सूरज जब गर्म होता है, सूरज की गर्मी हमारे तक पहुँचती है तो वैक्यूम के थ्रू आता है. वैक्यूम में कोई सोर्स नहीं है, कोई मटेरियल नहीं है, कोई मैटर नहीं है, फिर भी वो ट्रेवल करके आ जाता है क्योंकि वो अल्ट्रा वायलेट फॉर्म में होते हैं. ठीक है, तो रेडिएशन इज क्या होता है, रेडिएशन इज द हीट ट्रांसफर टू स्पेस बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जैसे अल्ट्रावायलेट रेज है, एक्सरेज है, दिस इज ऑल आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. अनलाइक कंडक्शन एंड कन्वेक्शन, रेडिएशन कैन अकर एम्प्टी स्पेस एज वेल एज इन सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस. तो रेडिएशन के लिए हमें कोई सोर्स की जरूरत नहीं है, ये अपने उसमें जो खाली जगह पर भी हो सकता है, सॉलिड में हो सकता है, लिक्विड में हो सकता है और गैसेज में भी हो सकता है. ठीक है, this such as visible light, infrared and ultraviolet light are examples of radiation. ठीक है, इसी के हेल्प से ही माइक्रोवेव काम करता है. माइक्रोवेव में बेसिकली रेडिएशन से ही अपना हीट जो होता है वो ट्रांसफर होता है और फूड होता है, कुक होता है. कुकिंग जो होती है उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वजह से होता है. या फिर हम आग के पास रहते हैं, खड़े होते हैं, तो उससे जो रेडिएशन आती है वो हमें हीट करती है. गर्मी के समय में जो हमें ज्यादा गर्मी लगती है, ठंडे की वजह से ज्यादा ठंड लगती है, उसका बहुत रीजन कोई अपनी रेडिएशन ही है. तो ये एक सिंपल एग्जांपल है, इसमें तीनों चीजें एक साथ एग्जिस्ट हो रही है. आप देख सकते हैं जब फायर हो रहा है तो रेडिएशन कमिंग फ्रॉम दिस and the conduction in the solid part of the material, then अगर आप कुछ छुएंगे तो आपको इसमें गर्मी लगेगी, जलन हो सकती है. ये है कंडक्शन की वजह से हीट हुआ और कंडक्शन विद इन द पॉट दैट इज लिक्विड वी हैव देयर इज कंडक्शन. तो अपन अप एंड डाउन, द डेंस मटेरियल गो डाउन अप एंड द लो एंड सॉरी डेंस मटेरियल कम डाउन एंड द लेस डेंस मटेरियल गो अप. This is also an example of the radiation, conduction and convection. Radiation, you can see that it is given from the fire pot, and if you got a hot material or metal ka piece hum isko kar le to uski acceleration hoti hai hamare paas heat aayi, that is the conduction. And then convection ke jo hum fan on karte hain uski through jo heat
एयर नीचे की तरफ ट्रांसफर होती है फोर्सफुली, उसको हम क्या कहते हैं कन्वेक्शन कहते हैं। अब हम एक्चुअली हम बॉयलर में जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये होता कैसे, हमारे यहाँ बॉयलर में हीट ट्रांसफर कैसे होता है। ठीक है, जब हमारे एक फर्नेस है सर जी, यहाँ से हमारे यहाँ कोल फिटिंग होती है, कोल जो होता है यहाँ बर्न हो रहा है, इन दिस एरिया कोल इज बर्निंग एंड दिस वॉल इज मेड अप ऑफ वाटर और ट्यूब। मैंने का मतलब कि जो आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर जो होता है फर्नेस का, उस पे चारों तरफ जो होते हैं वाटर वॉल्स की ट्यूब होती है क्योंकि पानी मूव करता है, बिकॉज इसके बीच में फर्नेस के बीच में कोयला जब बर्न होता है, जब कोयला बर्न होता है तो इसमें तीनों टाइप ऑफ हीट ट्रांसफर हम यहाँ पर देखेंगे हमारे फर्नेस में कैसे होता है। पहले हम बात करते हैं कंडक्शन की। कंडक्शन जो कि एक मेटल चीज है, ये सीएस का मटेरियल है, तो इसमें जब भी हीट यहाँ पहुंचेगा तो हीट अंदर तो उसके पानी है, पोलर प्लेस ठंडा जगह है, ठंडी है, और बाहर उसके हीट है, तो हीट की वजह से जो मॉलिक्यूल्स हैं इस ट्यूब के वो आपस में कोलाइड करेंगे और कोलाइड करने की वजह से वो हीट ट्रांसफर करेंगे वाटर। ठीक है, मतलब इस पोजिशन पे ये जो अपना इस पोजिशन दिख रहा है आपको, ये जो ट्यूब सर्फेस, यहाँ पे क्या होगा कंडक्शन होगा। ठीक है, उसके अंदर वाले पार्ट में जहाँ पे लिक्विड है, जो फ्लूइड है, जो हमारा वाटर है, उसमें कंडक्शन होगा, हीट क्या होगा। सेकंड पोर्शन जो मैंने बताया था आपको, सेकंड पोर्शन क्या होगा, कंडक्शन होगा। इसमें क्या होगा, जो पानी है वो हीट गेन करेगा और उसमें एक सर्कुलेशन की वजह से हीट ऊपर की तरफ पानी मूव करेगा, साथ में एनर्जी को भी कैरी करेगा। लेकिन अभी क्या है कि हम बात कर रहे हैं कि सरफेस नेचुरल प्रोसेस में, नेचुरल प्रोसेस में बात करें तो यहाँ पे जो वाटर है वो हीट यहाँ से ले रहा है और इसको डेंसिटी की डिफरेंस की वजह से उसमें मोमेंट हो, हमेशा होना चाहिए नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन इतना स्लो प्रोसेस होता है, धीरे धीरे पानी गर्म होगा, इतना हमारे पास टाइम भी नहीं होता और यहाँ टेम्परेचर रेंज भी बहुत ज्यादा होती है, बहुत अधिक टेम्परेचर के रहा होता है फर्नेस में, तो इतने डेली टेम्परेचर अगर बहुत धीरे धीरे पानी उसको हीट को रिपीट करेगा तो ये मेटल ज्यादा फेल हो जा सकता है, मेटल फेलियर हो सकता है। तो हमें ये चाहिए कि इस हीट को यहाँ सरफेस से तुरंत हटाना चाहिए, हटाना होगा, ताकि हमारा ट्यूब फेल ना हो, बॉयलर ट्यूब जो है वो फेल ना हो, जो हीट यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है बाहर की तरफ ट्यूब के अराउंड में, वो हमारे ट्यूब की, क्योंकि सीएस का मटेरियल है, इतना हाई टेम्परेचर पे नहीं डिजाइन किया जाता है, वो टेम्परेचर एग्जिस्ट इसीलिए कर पाता है क्योंकि उसकी कूलिंग इंटरनली होती रहती है, जो कूलिंग इंटरनली हो रही है वाटर के थ्रू जिसमें क्या हमारा कंडक्शन हो रहा है, तो उस कंडक्शन को हमें फोर्सफुली करना पड़ेगा क्योंकि ताकि उसका हीट जल्दी से वहां से मूव करे और ट्यूब का टेम्परेचर एक सर्टन लेवल तक बना रहे, क्योंकि ट्यूब हमारे 600 डिग्री से ज्यादा पे चल नहीं सकती, या 12 डिग्री टेम्परेचर है तो उसकी कूलिंग भी जरूरी है, उस कूलिंग के लिए हम एक सर्टन वेलोसिटी ऑफ वाटर हमें चाहिए, एक सर्टन वेलोसिटी के पास ऊपर ही हमारा कन्वेक्शन होना चाहिए, ताकि हमारा जो हीट ट्रांसफर है जो कंडक्शन के थ्रू हो रहा है वो होता रहे और ये फ्लूइड यहाँ पे मूव करता रहे। मतलब कहने का सिंपल सी बात है कि ये जो फ्लूइड है एक सर्टन मूवमेंट पे रहना चाहिए ताकि हमारा ट्यूब फेलियर की तरफ ना जाए। ठीक है, और इसके लिए हम क्या करते हैं, बॉयलर फिल पंप होता है हमारे यहाँ, जो फोर्स सर्कुलेशन होता है, बॉयलर फिल पंप क्या करता है, एक प्रेशर बना के रखता है, एक स्पीड देता है फ्लूइड को ताकि वो हीट कंटिन्यूसली कैरी करता रहे एक ही जगह पे नीड है। ठीक है, ये हम देख सकते हैं यहाँ पर, यही हम कहते हैं फोर्स कन्वेक्शन, और फ्री कन्वेक्शन नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन वो एक स्लो प्रोसेस है, इतना स्लो है कि हमारे यहाँ वो सुटेबल नहीं है, हमारा बॉयलर ट्यूब फ्यूजन की तरफ जा सकता है, इसीलिए हम लोग इस करने के लिए हमेशा बीएसपी यूज करते हैं या फिर वॉलर फिल पंप यूज करते हैं, कई जगह बूस्टर पंप भी इस्तेमाल किया जाता है, वो तो डिपेंड करता है कि हम कितने टेम्परेचर पे काम कर रहे हैं, अगर ज्यादा हाई क्रिटिकल सुपर क्रिटिकल बॉयलर है तो वहाँ ज्यादा प्रेशर का पंप लगेगा ताकि स्पीड फ्लूइड की ज्यादा रहे, और फ्लूइड वहाँ पर कई अलग अलग जगह फ्लूइड अलग, कई जगह मर्करी भी यूज किया जाता है बॉयलर में, कई जगह ऑरिजिनली हमारे यहाँ जो प्रेशर पार्ट ऑफ बॉयलर है वहाँ पे सब जगह फ्लूइड में लिक्विड यूज किया जाता है, वो वाटर है। नेक्स्ट पार्ट इज रेडिएशन। अब रेडिएशन बॉयलर में क्या होता है, रेडिएशन होता है जब हमारा कोयला बर्न होता है,
जो बर्न होने के वजह से जो एटम्स टूटते हैं, जब भी एटम्स टूटते हैं तो उसमें से कुछ इंफ्रारेड वेव्स निकलते हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती हैं, वो रेडिएशंस होती हैं। रेडिएशन की वजह से भी ट्यूब हीटिंग होती है, पर इसका जो कॉन्ट्रीब्यूशन होता है सिस्टम में वो बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू कंडक्शन एंड कंडक्शन। तो रेडिएशन को हम कह सकते हैं कि हम हिस्टोरिक है पर बहुत कम है, क्योंकि डायरेक्टर भी गैसेस पे डिपेंड करता है, बॉयलर फर्स फर्नेस में डायरेक्टर भी जैसे ज्यादा होती है और ये अगर यूनिटर भी गैसेज होंगी तो रेडिएशन ज्यादा होगा, लेकिन हमारे सिस्टम में CO2 रहता है, मॉइस्चर रहता है या फिर O2 रहता है, उसके वजह से हमारे यहाँ रेडिएशन का इफेक्ट थोड़ा कम महसूस होता है कंपेयर टू कंडक्शन एंड कंडक्शन। अभी हम बात करेंगे फोरगेस लॉ, ये सबसे इम्पोर्टेंट लॉ है ट्रांसफर का, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट, इसके बारे में मैं इसको सिंपल करके समझाता हूँ आपको, हमने समझा होगा बहुत, आप लोगों ने देखा भी होगा कि अगर कोई एक सरफेस है, मैं समझ कीजिए एक बॉल है और यहाँ एक हीट डिफरेंस है, हीट है यहाँ पे और यहाँ कोल्ड है, कोल्ड सरफेस एंड कोल्ड सरफेस, तो ये तो बहुत कॉमन चीज आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि बाहर टेम्परेचर कितना मिलेगा इस बात पर डिपेंड करेगा कि इसकी थिकनेस कितनी है, ये कितना मोटा है, उस पर अगर मोटा ज्यादा होगा तो देर से ही ट्रांसफर होगा, जब पतला होगा तो जल्दी हो जाएगा, और हम कितने एरिया में सरफेस में हम हीट दे रहे हैं और हमारे टेम्परेचर डिफरेंस कितना होगा, मतलब यहाँ पे ज्यादा डिफरेंस है, यहाँ से यहाँ डिफरेंस ज्यादा है, जल्दी ही ट्रांसफर होगा, अगर कम डिफरेंस है तो धीरे धीरे ही ट्रांसफर होगा, या अगर पतली वॉल है पतली चीज है तो जल्दी ही ट्रांसफर होगा, जल्दी गर्म होगा, और अगर मोटा है तो धीरे धीरे ही ट्रांसफर होगा और लेट से गर्म होगा, ठीक है। अब इसको हम पढ़ लेते हैं क्या है, द लॉ ऑफ हीट कंडक्शन ऑफ फोरगेस लॉ स्टेट्स दैट द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर टू ए मटेरियल इज प्रोपोर्शनल टू द नेगेटिव ग्रेडियंट इन द टेंपरेचर एंड द एरिया एट राइट एंगल एट दैट ग्रेडियंट थ्रू द हीट इज फ्लो, मतलब कि हीट है 90 डिग्री पे है उसके एंगल पे डिपेंड करता है, और ये हमेशा नेगेटिव ग्रेडियंट होता है, नेगेटिव ग्रेडियंट क्यों होता है, क्योंकि हीट ट्रांसफर हमने पढ़ा था कि हमेशा बॉर्डर से कूलर प्लेस की तरफ होता है, तो गर्म से ठंडे की तरफ भी जाएगा, इसलिए इसका नेगेटिव ग्रेडियंट होता है। दिस इज द कॉमन एग्जांपल कॉमन फॉर जनरल वेक्टर इक्वेशन फॉर द फोरगेस लॉ दैट स्टेट q इज इक्वल टू माइनस k a dt / dx वेयर k इज द माइनस एंड आई टोल्ड यू दैट द नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द हीट ट्रांसफर इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग टेंपरेचर, मतलब हमेशा अपर से स्लोअर की तरफ जाएगा, यही हमने हीट का रहे थर्मोडायनेमिक्स से पढ़ा था, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से भी पढ़ा था हमने, तो उसके बाद डिस्कस किया था हमने कि हमेशा हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ जाता है और ये नेगेटिव साइन इस चीज को डिनोट भी करता है सिचुएशन में, ठीक है। सेकंडली द कंडक्टिविटी थर्मल कंडक्टिविटी ये कांस्टेंट है, जो हमने प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए कांस्टेंट है, थर्मल कंडक्टिविटी से आगे बढ़ेंगे हम, क्योंकि रेट ऑफ हीट ट्रांसफर मतलब कितना हीट ट्रांसफर हुआ है और ये क्या होता है, इसकी यूनिट होती है किलो कैलोरी पर आवर या किलो जूल पर आवर, एक घंटे में कितना ही ट्रांसफर हुआ, अलग हम जब बात कर रहे हैं ये सीधे सिस्टम या ऐसे सिस्टम की बात कर रहे हैं, इसीलिए किलो कैलोरी है, पढ़िएगा BTU पर आवर भी होता है ब्रिटिश थर्मल यूनिट में, ठीक है, और ऐसा ही सिस्टम में किलो जूल पर आवर होता है। एरिया क्या है, एरिया जो मैंने आपको बताया माइनस के dt/dx, ये क्या है, क्या है थर्मल कंडक्टिविटी का कॉन्स्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए लिया था हमने, क्या है एरिया जो जैसा मैंने आपसे बात की थी, अगर ये वॉल है सपोज के लिए ये इसका एरिया है जो मीटर स्क्वायर में है, तो मान लीजिए 1 मीटर स्क्वायर है और जो लेंथ है थिकनेस है इसकी सपोज के लिए 1 मीटर है, ठीक है, और यहाँ हम हीट दे रहे हैं इस एरिया में जो हॉट एरिया है और हीट हम दे रहे हैं वो जो हीट फ्लो है वो 2 है और यहाँ पे हीट जो हमें गेन होगा वो होगा हीट टेम्परेचर डिफरेंस जो है यहाँ पे सपोज कीजिए q डैश मिलता है अपने वापस में और ये जो डिफरेंस होगा इस डिफरेंस बिटवीन द q एंड माइनस d d डैश इज इक्वल टू d dx ओके dt सॉरी dt dt इज द टेम्परेचर डिफरेंस जो हमने गेन किया जो इनिशियल हीट से फाइनल हीट के बीच में जो डिफरेंस आया वो क्या है वो dt है, ठीक है, टेम्परेचर डिफरेंस और dx क्या है dx इज दिस थिकनेस और एरिया क्या है a, तो एरिया जिस एरिया के लिए हम हीट ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है, तो
हमने बताया आपसे पहले भी कि मैंने से इंडिकेट करता है कि हमेशा हीट ट्रांसफर हॉट से कोल्ड की तरफ होगा, एक नेगेटिव साइन इसी चीज पे इंडिकेट करता है। ठीक है, अब हम थोड़ा अगर मान लेते हैं किसी केस में, जैसे ऐसा एक सिनेरियो मान लेते हैं जिसमें हमने इस डेफिनेशन में अगर सब चीज सारा एक जो हमारे यूनिट सेल्स की यूनिटी है, यूनिटी है मतलब 1 है, मतलब एरिया जो है 1 स्क्वायर है, थिकनेस जो है वो 1 मीटर है, और जो अपना टेम्परेचर डिफरेंस है 1 डिग्री सेल्सियस है हॉट दोनों पार्ट में, उस समय क्या होगा जब सारी चीज यूनिटी हो जाएंगी तो देन हीट रेट ऑफ ट्रांसमिट फ्लो क्यू इज इक्वल टू माइनस के कंडक्टिविटी। You can see this. Here is the nanoscale. तो यहाँ का हम समझ देख सकते हैं कि यहाँ पे जो heat transfer है, humidity के transfer में, that's the conductivity can be defined as the amount of heat conducted per unit across unit area and through unit time and unit thickness when temperature difference is units. सब कुछ unity में है, temperature difference unity है, area unit है और thickness wall की unit है, तो उस केस में जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो इक्वल हो जाएगी अपने जो हीट जो ट्रांसफर हो रहा है उसकी, मतलब सब कुछ वन होने पर केस में कंडक्टिविटी जो हो जाएगी अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर हो जाएगी। ठीक है, इसी से थर्मल कंडक्टिविटी डिफाइन होती है और इसका साइन हमेशा नेगेटिव रहेगा क्योंकि हमने पहले बात किया था कि वाटर मतलब कोल्ड की तरफ। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, इसके इसी से हम आगे फर्दर बात करेंगे कि आगे कैसे हम ड्राइव करते हैं कि कौन सा मटेरियल लेना है हमें या कितनी थिकनेस रखनी है। ठीक है, अब इसके बाद से हम बात करेंगे कंडक्टिविटी का मटेरियल्स पे क्या इफेक्ट आता है। ठीक है, और उनके क्या प्रेशर इफेक्ट पे क्या है, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है। ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी जो है वो हर एक, मैंने आपको पहले बताया था, हमने बात की थी कि जो कंडक्टिविटी होती है थर्मल कंडक्टिविटी या हीट एनर्जी, ये सब मटेरियल के लिए अलग अलग होता है और ये इसका कोई डिफाइन नहीं है, मतलब डेफिनेशन नहीं है, डेफिनेशन इस टर्म्स में नहीं है, इसका कोई लॉ नहीं, हमने लॉ बनाया है बाद में मैटर के ऊपर लॉ बनाया है, सब मैटर्स के लिए अलग अलग हो सकता है, किसी सॉलिड के अलग हो सकता है, गैस के लिए अलग होगा और सॉलिड में भी अलग अलग सॉलिड के लिए अलग अलग होगा, वो डिपेंड करेगा कि उसके फिजिकल कंडीशन कैसी है, उसका टेम्परेचर कंपोजिशन कैसा है, उसके अंदर पोरोसिटी कितनी है, उसके अंदर मॉइस्चर कितना है, हमने जो सैंपल लिया उस समय उसका एनवायरनमेंट कैसा था, जहां हम उसको स्टडी कर रहे हैं उस समय उसका एनवायरनमेंट कैसा है, उन सब चीजों पे डिपेंड करेगा कि उसका कितनी थर्मल कंडक्टिविटी आती है। ठीक है, फिर भी हम उसके यूनिवर्सल लॉ की तरफ पढ़े हैं, कुछ कुछ जो बेसिक है उनके बारे में जानेंगे। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बात किया था कि थर्मल कंडक्टिविटी मैटर में डिपेंड करती है किसी पे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे और लैटिस। लैटिस क्या होता है, जो जो अपने अरेंजमेंट होती है, पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स होता है या एटम्स होता है उसको हम लैटिस कहते हैं। ठीक है, और जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जब भी हीट देते हैं तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, मूव करते हैं एक दूसरे से कोलाइड करते हैं, और या फिर किसी जैसे गैसेज में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, उसमें क्या होता है अपने एटम्स होते हैं वो मूव करते हैं या मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मूव करते हैं, रिसर्च प्रोवाइड करते हैं और हीट ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, देखिए हम कैमरा को बताया था, जब हम बात करते हैं सॉलिड की, सॉलिड में खासकर की जो मेटल्स होते हैं उनमें बात करते हैं थर्मल कंडक्टिविटी की, तो उसमें हम कहते हैं कि ऐसे मॉलिक्यूल्स तो क्लोजली पैक्ड होते हैं इसीलिए उनकी डेंसिटी हाई होती है, तो उसमें जो हीट ट्रांसफर होता है वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन्स जब रिसर्च प्रोवाइड करते हैं तो उसमें हीट ट्रांसफर होता है। लेकिन जब हम बात करेंगे फ्लूइड में या फिर गैसेस में, उस कंडीशन में क्या होता है, हमारे इलेक्ट्रॉन तो फ्री नहीं होते लेकिन हमारे मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं, तो उनके उनमें आपस में कोलाइड होता है, उसके वजह से ही ट्रांसफर होता है। देन थर्ड पार्ट, जब भी कोई भी मेटल होता है प्योर, अगर वो प्योर फॉर्म में, जितना मेटल प्योर फॉर्म में होगा उसकी थर्मल कंडक्टिविटी अच्छी होगी, जितना उसमें कुछ इंप्योरिटी आ जाएगा या हम उसको अलॉय करते हैं तो उस कंडीशन में उसकी थर्मल कंडक्टिविटी घट जाती है। अब देखिए हम हमारे यहाँ बॉयलर है या कोई भी सिस्टम है, हमारे यहाँ थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा होनी चाहिए, हम सब चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा हीट गेन हो। ठीक है, हमारा हीट वेस्ट कम हो। ठीक है, लेकिन जब हम अलॉय करते हैं, हमें अलॉय करना पड़ता है सिस्टम के, क्योंकि बहुत सारी प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं जो हमें जैसे ज़्यादा बेंडिंग के लिए या स्ट्रेस रिलीजिंग के लिए या फिर टेम्परेचर डिफरेंस को बर्दाश्त करने के लिए उसमें अलॉयिंग किया जाता है। ठीक है, जैसे स्टील है वो एक अलॉय है। ठीक है, तो अलॉयिंग इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा कि किस लेवल तक अलॉय कर सकते हैं ताकि हमारी कंडक्टिविटी में कितना डिफरेंस आए, ये इसके लिए इसका इंपॉर्टेंस है कि हम पढ़ें स्टडी थर्मल स्टडी, इसीलिए ट्रांसफर इंपॉर्टेंट ताकि हम समझ सकें कि अलॉय करना है, हमें अलॉय तो करना ही है ताकि उसके लाइफ बन सके,
लेकिन किस स्ट्रेंथ तक करना है, कितना मटेरियल उसमें डालना है या फिर इम्प्योरिटी डालनी है तो कितनी डालनी है ताकि उसमें हीट कंडक्टिविटी भी बनी रहे। ऐसा ना हो कि हम इतना ज्यादा कर दें कि हमारी कंडक्टिविटी ही खत्म हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि जो हार्डन स्टील होता है, केस हार्डनिंग होती है या फिर कई बार इंटरनल हार्डनिंग होती है, जो हार्डन स्टील होता है उसकी कंडक्टिविटी हमेशा एनीलिंग स्टील से कम होती है। एनीलिंग स्टील में एनीलिंग करते प्रोसेस है, जो पढ़ोगे पीटी में, ठीक है, उसमें क्या आप देख सकते हैं एनीलिंग स्टील जो होती है इसमें एनीलिंग किया जाता है बॉयलर स्टील्स को, उसकी कंडक्टिविटी एज कम्पेयर टू हार्डन स्टील ज्यादा होती है। नेक्स्ट वीक जैसे हमने कहा था कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या होता है, एटम्स के बीच में जो होता है उसमें मूवमेंट ज्यादा होता है। ठीक है, और जब इलेक्ट्रॉन्स में हमने बात किया, जब इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हीट ट्रांसफर हो रहा है सॉलिड में, खासकर मेटल्स में, ठीक है, लेकिन हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या होगा कि जो एटम्स हैं उनमें भी कोलाइड शुरू हो जाएगा, उनके बीच मूवमेंट शुरू हो जाएगा। जब उनके बीच मूवमेंट शुरू होगा तो अब ये मूवमेंट अलग अलग डायरेक्शन में होगा, फ्री फॉर्म में होगा, तो वो क्या करेंगे इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा थर्मल कंडक्टिविटी जब टेम्परेचर बढ़ने की वजह से मेटल में वो कम हो जाएगी। ठीक है, लेकिन हमने आपको पहले बताया था, हमने ये लॉ जो बनाया है अपने हिसाब से बनाया है, मतलब एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पे बनाया है, तो इसके हमेशा कुछ एक्सेप्शनल केसेस होंगे। जैसे एल्यूमिनियम और यूरेनियम एक इसके एक्सेप्शनल है, जब हम इसमें टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इसमें कंडक्टिविटी बढ़ती है, लेकिन जनरल कंडीशन में बाकी सब चीज़ें मेटल में जैसे स्टील है या फिर आयरन है उनमें कंडक्टिविटी टेम्परेचर बढ़ाने से कम होती है। जब हम बात करते हैं गैस के बारे में, ठीक है, गैस काइनेटिक एनर्जी की वजह से, मतलब मैंने बताया था आपको मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट के वजह से हीट ट्रांसफर होता है, मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करके उसके वजह से हीट ट्रांसफर होता है, मतलब काइनेटिक एनर्जी से हीट ट्रांसफर होता है। ठीक है, कोलिजन मूवमेंट और कोलिजन की वजह से हीट ट्रांसफर होता है। ठीक है, इसके लिए एक सिंपल लॉ एक डिफाइन किया गया लॉ को, कंडक्टिविटी इक्वल टू 1/3 वी डैश सी बी एल इनटू लॉ। ठीक है, इसमें क्या है, अब देखिए यहाँ प्रोडक्ट है एल एंड रो का, जो प्रोडक्ट है वो के पे इफेक्ट करता है। जब हम प्रेशर बढ़ाते हैं गैस में, जब हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो होगा क्या, जब हम गैस में प्रेशर बढ़ाते हैं तो मास डेंसिटी तो बढ़ती है क्योंकि वो कंडेंस होता है, तो डेंसिटी उसकी बढ़ रही है। ठीक है, लेकिन जो डेंसिटी तो बढ़ रही है लेकिन उसकी प्रॉब्लम क्या होती है, पाथ है मीन टाइम पाथ जो ट्रेवल कर रहा था वो घट जाता है, तो उनका प्रोडक्ट जो होता है रो और एल का ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट होता है। तो इससे क्या निकलता है, हमारा जो कंडक्टिविटी है उस पर प्रेशर का इफेक्ट इन केस ऑफ गैस बहुत कम होता है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है। फिर से रिपीट करता हूं आपको समझाने के लिए, जब भी हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो उसकी डेंसिटी क्या होती है वो बढ़ती है। ठीक है, क्योंकि वो डेंस होता है, प्रेशर बढ़ाया हमने तो डेंस होगा तो उसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी, लेकिन जो उसका जो हमने बात की थी कि मीन फ्री पाथ, जो फ्री पाथ है वो रिस्ट्रिक्ट होगा, वो कम होगा। ठीक है, तो उनका जो प्रोडक्ट जिस पर कि हमारी कनेक्टिविटी डिपेंड करती है वो ऑलमोस्ट बराबर ही रहता है, ज़्यादा चेंज नहीं आता, तो प्रेशर का ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल इफेक्ट होता है हमारे यहाँ कंडक्टिविटी पे गैसेस के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट हमने गैस के बारे में बात किया, अब हम लिक्विड के बारे में बात करते हैं। लिक्विड में भी रिलेशन ड्राइव किया गया एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पे, वो हमने जब पिछले बार बात किया था गैस की कंडीशन में, हमने बात किया था स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ लिक्विड एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, जब हम अभी बात कर रहे हैं स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ लिक्विड एट कांस्टेंट प्रेशर। ओके, एंड क्या मॉलिक्यूलर वेट ऑफ लिक्विड, जो उसका मॉलिक्यूलर वेट है इधर के ये टेंपरेचर कांस्टेंट है। ठीक है, हम यहां पे देख सकते हैं, आप देख सकते हो के देखो के इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू रो पर 4/3, मतलब इसके 4 के पावर पे डिफरेंस है उसका क्यूब रूट है।
उसके जो लोब का जो पावर फोर है उसका जो क्यूबिट है वो उस पर डिपेंड करता है हमारा कंडक्टिविटी, ठीक है। तो जब हम इस केस में जैसे कंडक्टिविटी अगर लोब बढ़ेगी, लोब की वैल्यू बढ़ेगी तो हमारी कंडक्टिविटी भी बढ़ेगी। In the liquid, the air temperature increases, the density of decreases in terms decrease in the thermal conductivity of liquid, but except in the case of water. देखो, अभी हमने बात किया, ठीक है, जैसे ही temperature बढ़ेगा, ठीक है, temperature बढ़ेगा तो क्या density क्या होगी, कम हो जाएगी, मतलब rho की value कम होगी। जब temperature बढ़ाएंगे तो rho की value कम होगी, क्योंकि जब भी temperature बढ़ेगा तो कोई भी चीज फैलती है, जब जो चीज फैलती है उसकी density कम होती है, volume बढ़ेगा तो उसकी density कम हो जाएगी, ठीक है। रो इक्वल टू एम बाय जी होता, रो से पड़ा, वॉल्यूम बढ़ा तो डेंसिटी हुई कम, डेंसिटी हुई कम तो क्या हो, रो भी हो गया, रो भी गया बढ़, ठीक है। लेकिन आप इसका भी एक एक्सेप्शन है, मैंने आपको पहले बताया कि हमारे यहाँ सब एक्सेप्शन अवेलेबल है, तो वाटर इसका एक मार्जिनल एक्सेप्शन है, वाटर में उल्टा होता है, वाटर में नहीं चेंज होता, वो फर्क उल्टा होता है, ठीक है। हम मैंने बात किया तो पहले बताया था कि प्रेशर का जो इफेक्ट होता है सॉलिड में बहुत कम होता है, ठीक है, लिक्विड में गैसेस के कंडीशन में भी कम होता है, और उसका थोड़ा बहुत इफेक्ट होता है जो लिक्विड पे ही होता है, ठीक है। अब हमने एक बाद में हम लोगों ने ड्राई स्टेट रिलेशन निकाला कि आखिर इफेक्ट क्या होता है, थर्मल टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ सॉलिड और मेटल, ठीक है। के नॉट इज द थर्मल कंडक्टिविटी एट 0 डिग्री टेम्परेचर, लेकिन पॉजिटिव होती है और मेटल्स के लिए नेगेटिव होती है, यहाँ पे भी एल्युमिनियम और यूरेनियम एक्सेप्शनल केसेस है, ठीक है। हम बात करते हैं जो मेनली इंसुलेटिंग मटेरियल्स होते हैं कंडक्टिविटी जो होती है सैंपल टू सैंपल वैरी करती है, मैंने पहले बहुत पहले स्टार्टिंग में बात किया था कि जो सैंपल टू सैंपल वैरी करेगी उस पर डिपेंड करेगा। हमने तो ये बात की थी कंडक्टर्स की, अब हम बात करें इंसुलेटर्स की, कंडक्टर्स और इंसुलेटर एक दूसरे के अपोजिट ही है, ठीक है। तो जैसे कंडक्टर्स में बात किया था हमने कि वो नेचर पर डिपेंड करेगा, मटेरियल की कैसा स्ट्रक्चर है, उसमें पोरोसिटी कितनी है, उसमें मॉइस्चर कंटेंट कितना है, और उसका स्ट्रक्चर कैसा है, या फिर मॉलिक्यूल्स कैसे हैं, या केमिकल कंपोजिशन कैसा है, वैसे ही कंडक्टर ऐसे ही इंसुलेटर पर भी हम कह सकते हैं उसमें पोरोसिटी कितनी है, उसमें मॉइस्चर कितना है, उस पर डिपेंड करेगा। अभी इंसुलेटर हमारे लिए किसी भी थर्मल प्लांट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। हमने कहा कि हम लोग इसके बाद लोगों ने डिफाइन किया कि जो हमने पहले आपको बताया था थर्मल कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में भी एक रिलेशन होता है, ठीक है। थर्मल कनेक्टिविटी और किसी भी मेटल के लिए और इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी मेटल के लिए भी एक रिलेशन डिफाइन किया गया, वो एक्सपेरिमेंट से निकाला गया और उसके हिसाब से एक इक्वेशन डिफाइन की गई, और देखिए ये है k/ सिग्मा इज इक्वल टू डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर, या k/ सिग्मा t इज कांस्टेंट, n log n log is a constant, we define that k, then the k is the thermal conductivity, sigma is the electrical conductivity, t is the absolute temperature. इससे हमारे क्या निकला n log. n log is a Lorentz number. Its value is 2.45 × −8 ohms per Kelvin square. तो यहाँ से एक relationship निकल गया. अब हम सब जानते हैं कि conductivity, thermal conductivity निकालना किसी system के लिए थोड़ा मुश्किल पड़ता है, ठीक है, उसे measurement करना. लेकिन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी निकालना किसी सिस्टम के लिए, किसी मेटल के लिए इजी है। तो इस रिलेशन की हेल्प से हम थर्मल कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। टेम्परेचर हमें मालूम है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी निकालनी है, हम यहाँ से k की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, या थर्मल ज़्यादातर साइंस में इसका इस्तेमाल किया जाता है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के लिए सस्टेन करता है। टेम्परेचर अगर डिफरेंस होगा, वेरी करेगा, तो फिर ये फॉर्मूला चलेगा नहीं। अब हम बात करते हैं इंसुलेटर्स की, हमने बात किया इंसुलेटर हमारे यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमारे यहाँ जो कोई भी यूनिट है जहाँ पे हीट से रिलेटेड काम होता है वो इंसुलेटर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप लोगों ने देखा भी होगा, हम सब के यहाँ फ्लास्क है या कुछ भी है उसके ऊपर इंसुलेटर होता है। इंसुलेटर दो टाइप के होते हैं, हम लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर, क्या कोल्ड इंसुलेशन और हॉट इंसुलेशन। कोल्ड इंसुलेशन कहाँ होता है, जहाँ पे अंदर का टेम्परेचर, मतलब जो सिस्टम है उसका टेम्परेचर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से, एम्बिएंट टेम्परेचर से कम, तो हम उसे कोल्ड इंसुलेशन करते हैं।
ताकि हमारा हीट जो है अंदर से बाहर से अंदर की तरफ ना, हमारा जो कोल्ड बॉडी है वो कोल्ड रहे, ठंडा चाहिए हमें, ठीक है। जैसे एसी है या फिर ऐसा कोई इक्विपमेंट है वहाँ पर कोल्ड इंसुलेशन का इस्तेमाल किया जाता है। तो हमारे केस में हमारा बॉयलर है, बॉयलर के लिए हम हॉट इंसुलेशन यूज करते हैं। हॉट इंसुलेशन में क्या होता है कि जो अपना टेम्परेचर है, इंटरनल टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज हायर देन द एम्बियंट टेम्परेचर, मतलब हमारा सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा है। बताया बाहर से टेम्परेचर पर हमारा सिस्टम काम करता है, बाहर का टेम्परेचर 50-60 डिग्री होता है, तो हमेशा हाई से लो की तरफ जाएगा, तो हमारा हीट लॉस बहुत हो सकता है। उसके हीट लॉस को रोकने के लिए हम इंसुलेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा ये दो मेन है, इसके अलावा जो इंडस्ट्री में डेवलपमेंट की वजह से बहुत सारे इंसुलेटर्स आ चुके हैं, हमारे यहाँ सुपर इंसुलेटर्स इस्तेमाल होते हैं, इनको सुपर वूल बोला जाता है, वो 12 डिग्री टेम्परेचर या फिर 18 डिग्री टेम्परेचर के लिए भी सस्टेन करता है और हीट कंडक्शन को रोकता है, ठीक है। ये इसका कॉमन फॉर्म है, इसमें कनेक्टिविटी कैसे होती है, ठीक है, कैसे कम होती है या प्योर मेटल्स में ज्यादा होता है, जब हम डिस्कस किया था। थैंक यू, थैंक यू, नमस्ते सर।